मैना को जवाब सुनबे के बाद में तोता ने जकही सुने, एक आदमी कोई गलत हतो और तू ताई के पीछे सबक की गिनती बैसी करने लगी। अब सुन तो हम एक बात बताएं कि औरतें कितनी बेदर्द और कितनी निर्लज्ज बेवफा है। तो वह तोता ने कही, मैना रतन दीप एक नगर था, सुन मैना धर ध्यान और बाके श्री भूपाल को अंग ध्वज था नाम। राजा अंग ध्वज जो था उसके घर में एक लड़का था जिसका नाम था रणजीत। तो अब रणजीत जो है तो सो एक दिन शिकार खेलन चलो, के चलो है बलकारी, चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी। बगीचा में अच्छा तो फुलबारी प्यारी लगी ता बैठो राजकुमार, नजर उठाई सामने कछुआ बत देखी नारी। फुलबारी जाती ना भाई बैठो हतो तो ले माने सामने जब निगाह उठाई सो औरतें इकट्ठी होके आ रही हती भाई, लेकिन सब औरतन के बीच में एक एक पहुंच गया इंद्र जैसी परी। बल लड़की के जाके काले के सने न कजरा रे गोरे गोरे बाके का। बढ़िया बात बाबा। और बिटिया सियानी चढ़ी जवानी मनमानी मोह में मुझकिया, राजकुमारी बड़ी अगारी देखत न्यारी सखियां सजाली। दूर से जैसे ही वह लड़का ने देखो बस सुंदर हती
कछु पूछो ही ना बहुत तारे बीन में चंद्र छवि प्यारी न्यारी सखिया ने मेरे सुकुमारी बोलो तोता सुन ले रे मैना थी वो इंद्र परी उन्हारी तरीका से बिटरिया की नजर बलड़का बजब पड़ गई सब कुछ खोए बैठी और एकदम से दिमाग में जब विचार बन गए भगवान कहूं हमारा ब्याह होए तो जाई के संग हो। अब लड़का को देख के जब सोचने लगी और हुन से लौट के चुपचाप घरे चली आई।